अल्लाह की राह में सारी उम्र एक एहराम पोश फकीर अपनी सारी जिंदगी एहराम की हालत में गुजार देता है, चुनांचे मरने के बाद भी उन्हें उसी एहराम में लपेट कर दफन कर दिया जाता है। ये तरीक़े तकफीन भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक है। चुनांचे ये वाकया है कि एक मर्तबा एक शख्स एहराम बांधे था, उसको ऊँटनी ने टक्कर मार दी, वो मर गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसको मेहंदी के पानी से गुस्ल देकर इसी के कपड़ों का कफन दो और खुशबू न लगाओ और सर न ढको, क़यामत के रोज़ लबैक कहता हुआ उठेगा। ऐन इसी सुन्नत आशिकाना की पैरवी करते हुए सरकार वारिस पाक ने अपने फ़कीरों के लिए हुक्म सादिर फरमा दिया, फ़कीर मर जाए तो उसी तहमंद में लपेट कर दफन कर दो, यही उसका कफन है। दूसरी बात यह है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आँखों के तारे यानी सरकार वारिस पाक ने अपने ग़ुलामों को अपनी आबाई सुन्नत से मुस्तफ़ैस करने के लिए भी ये हुक्म सादिर फरमाया था, जो कि हज़रत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने वक्त आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई थी कि इसी जगह और इसी लिबास में मुझे दफन करना। चुनांचे मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। गर्स के बिनते रसूल की ऐन सुन्नत के मुताबिक सरकार वारिस पाक ने यह हुक्म सादिर फरमाया कि फ़कीर का जहाँ इंतकाल हो वहीं एहराम में लपेट कर दफन कर दें। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि असरूए शरीयत शहदा को कफन के बजाय उनके मलबूस में ही दफन करते हैं और आशिकाने इलाही तो हकीकी शहीद होते हैं, क्योंकि शहीद तो दुश्मन की तलवार से मरता है और आशिक अदाए दोस्त के मारे हुए होते हैं। लिहाजा फ़ुकरा को उनके मलबूस में दफन करना शहदा की तदफीन के भी ऐन मुताबिक है। बेदम शाह वारसी इरशाद फरमाते हैं, हयाते चाउदानी पा गए जो मर मिटे उन पर, हकीकत में है बेदम चश्मे आबे बका वारिस। सलाम हो अशरफुल आलमीन पर, सलाम हो एहराम पोश फ़ुकरा पर।